इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण में भी आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, इसके लिए सॉरी है। तो चलिए लाइव क्लासेस को फिर से स्टार्ट किया जाता है और देखते हैं कि आज के सेक्शन में क्या क्वेश्चन है। लिखे गए निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की सुविधा के लिए है। पहला लिखे गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर या पोस्को या कोयला मित्र या सूर्या मित्र। नीचे जल्दी से कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। इसके लिए 30 सेकंड का समय सीमा आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं लाइव टेलीकास्ट के साथ और कमेंट लिखे। थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो जाने के कारण शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिसके कारण फिर से लाइव क्लासेस को रिज्यूम किए गए। आप सभी को वेलकम करते हैं फिर से। जल्दी से नीचे कमेंट लिखे इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण जो है फिर से हमको लाइव क्लासेस में आने पड़े। तो चलिए डांस के आ चुके हैं, ऑप्शन ए के साथ जाना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। देख लेते हैं इसके सही आंसर क्या होते हैं। इसके सही आंसर की ओर अग्रसित होते हैं तो इसके सही आंसर है कोयला मित्र। जो कैंडिडेट कोयला मित्र को क्लिक किए ऑप्शन तीन को, उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि जिन कैंडिडेटों का लाइव क्लासेस का टाइम टेबल नहीं मालूम है वे सारे यहाँ पर देख ले। करंट अफेयर का पेपर सुबह 8 बजे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सुबह 9 बजे, इंग्लिश का पेपर सुबह 10 बजे, गणित का पेपर सुबह 11 बजे आप सभी को स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास है नाइट में टाइम्स तो आप सामान्य ज्ञान का पेपर हमारे साथ 9 बजे रात में ले सकते हैं। सामान्य विज्ञान का पेपर 10 बजे ले सकते हैं और सीधे उत्तर वाले पर्सन जो 11 बजे रात में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आप सभी के लिए टाइम टेबल जो कि लाइव क्लासेस का समय है। जिन कैंडिडेटों को नहीं मालूम है वे सारे यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, रक्त समूहों की खोज किसने की थी। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, कार्ल लेडस्टीनर ने या जोसेफ मोनियर ने या विलियम केली ने या विलियम स्टर्जन ने। जल्दी से दोस्तों कमेंट लिखे, इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाती है। फटाफट कमेंट लिखे, डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण जो है फिर से दोबारा स्टार्ट किए गए, सॉरी इसके लिए राजकुमार यादव जी। चलिए राजकुमार यादव एक के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, गोयल जी एक के साथ, डांस सीख के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट लिखे। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होते हैं। इसके सही आंसर है ऑप्शन एक। जो कैंडिडेट ऑप्शन एक को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही, इन्होंने ही जो रक्त समूह की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए बैंक खाते में जमा राशि को जो मांग पर वापस ली जा सकती है क्या कहलाती है। समय जमा कहलाती है, मांग जमा कहलाते हैं, निकासी कला या संचय कहलाती है। कमेंट लिखें, स्पीड करें कमेंट बॉक्स को, स्लो ना करें। चलिए राम चैनल का आ चुके हैं, सी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट लिखें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। राजकुमार यादव तीन के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी फटाफट कमेंट करें। जिन कैंडिडेटों को कमेंट करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के साथ वे सारे जल्दी से कमेंट लिखें। इसके सही आंसर है मांग जमा। जो कैंडिडेट मांग जमा को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही, ऑप्शन टू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके, लिखे गए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु के डॉट होते हैं, बराबर होते हैं, बड़ा होते हैं, छोटा होते हैं या इनमें से कोई नहीं। सारे लोग कमेंट लिखे, इसके लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाएगी। जल्दी से कमेंट लिखिए, लेट ना करें कमेंट बॉक्स को, टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं। इसके सही आंसर देख लेते हैं, इसके सही आंसर है बराबर। जो कैंडिडेट बराबर को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं जैसे आप सभी देख पा रहे हैं। लिखे गए हिटिंग बिलो द वेस्ट के किस खेल से संबंधित एक वाक्यांश है। मुक्केबाजी से, क्रिकेट से, हॉकी से या बेसबॉल से। सारे लोग कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होना चाहिए। टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर खाली है।
बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट करें। अशोक जी दो के साथ, डांस डांस डी के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखे। चलिए टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसकी सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है मुक्केबाजी, जो कैंडिडेट मुक्केबाजी को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि लिखे गए हैं भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बराबर में बताया है। पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, किसमें बताया गया है? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए सिर्फ सिर्फ 10 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाएगी। फटाफट जुड़ जाएं कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एमटीएस को फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर निकालना चाहते हैं, वे सारे हमारे लाइव क्लासेस में जरूर से जरूर जुड़े। चलिए इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है थर्ड अनुसूची, यानी तीसरी अनुसूची में की गई है, ऑप्शंस टू। जो कैंडिडेट ऑप्शंस टू को क्लिक किए दोस्तों उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखे गए हैना सिद्धू किस खेल से जुड़ी हुई है? हॉकी से, क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, या शूटिंग से? सारे लोग कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए? चलिए अशोक जी एक के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, विश्वजीत कुमार तीन के साथ, डांस एंड डांस जो है डी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। देख लेते हैं इसके सही आंसर। सही आंसर है शूटिंग। जो कैंडिडेट चार को क्लिक किए डी को, उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कैंडिडेट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखे गए भारतीय और रूसी नौसेना के बीच एक साक्षात्कार में निम्न में से कौन सा समुद्री अभ्यास है? हैन इन हेड है, हेड इन हेड है, या इंद्रे, या सूर्य किरण, या कोकन है? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए सिर्फ सिर्फ 10 सेकंड का समय सीमा आपको दी जा रही है। फटाफट जुड़े और कमेंट बॉक्स को कमेंट भरे, इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए? चलिए टाइमलाइन ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, अब इसके सही आंसर देख लेते हैं। डांस जो है बी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट लिखे, बाकी लोग भी फिर स्वीट से कमेंट लिखे। इसके सही आंसर ऑप्शन दो, इंद्र। जो कैंडिडेट इंद्र को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों संक्रांति के दौरान मौसम क्या कहलाता है? विंटर कहलाता है, समर कहलाता है, स्प्रिंग कहलाता है, या ऑटम कहलाता है? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए? जल्दी से कमेंट बताएं। अशोक जी जल्दी से कमेंट लिखें, विश्वजीत कुमार जल्दी से, डांस जल्दी से, अशोक जी जल्दी से कमेंट लिखे, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए सारा कैंडिडेट फटाफट कमेंट लिखे। गलत हो चाहे सही हो, डरे नहीं, कमेंट बॉक्स को कमेंट करें। चलिए विश्वजीत डी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, डांस डी के साथ, बाकी लोग भी कमेंट करें। चलिए अशोक जी बी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। चलिए टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है समर, यानी जो कैंडिडेट ऑप्शन बी को क्लिक किया उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं, लिखे गए हैं निम्न अक्षांश में से कौन सा एशिया से होकर गुजरता है? पहला लिखा गया मकर राशि का ट्रॉफिक केवल, या कैंसर का ट्रॉफिक केवल, या भूमध्य रेखा केवल, या कैंसर कैंसर का भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा केवल? जल्दी से नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, इसके लिए आपको समय सीमा 10 सेकंड का समय सीमा दी जाती है। जल्द से जल्द कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए? फटाफट कमेंट लिखे। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर है कैंसर का ट्रॉफिक केवल, कैंसर का ट्रॉफिक केवल, यानी कि ऑप्शन दो। जो कैंडिडेट ऑप्शन टू को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं। लिखे गए रक्तचाप क्या है, रक्तचाप क्या है? तो इसके लिए लिखे गए हृदय की मांसपेशी पर रक्त का दबाव होते हैं, या धमनियों और सिराओं की दीवारों पर रक्त का दबाव होते हैं, नसों की दीवारों पर रक्त का दबाव केवल होते, धमनियों की दीवारों पर रक्त दबाव होते हैं? सारे दोस्तों जुट जाएँ और कमेंट करके बताएँ इसके सही आंसर क्या होने चाहिए। जल्द से जल्द कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए? फटाफट कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स को स्पीड करें,
कमेंट बॉक्स खाली ना छोड़ें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों कमेंट को स्पीड करने का कोशिश करें। चलिए बहुत अच्छे सारे प्यारे बच्चों कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स को कमेंट भरें, खाली ना छोड़ें। गलत हो चाहे सही हो, जैसे भी हो ट्राई तो करें कम से कम, बाद में देखा जाएगा गलत है क्या सही है। इसके सही आंसर धमनियों और सिराओं की दीवारों पर खून का दबाव, यानी कि यहाँ पर जो है रक्त का दबाव, यानी ऑप्शन बी। जो कैंडिडेट ऑप्शन बी को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? आयरन है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है या कॉपर है? सारे लोग जुड़ जाएं कैंडिडेट, जो उन कैंडिडेट अभी तक नहीं जुड़ पाए हमारे साथ जुड़ें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भरें। जल्द से जल्द जुड़ जाएं, जो कैंडिडेट अभी तक नहीं आ पाए हमारे साथ लाइव टेलीकास्ट के साथ, वे सारे जल्दी से जल्दी आ जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, राम शुल्क जी आ चुके हैं, कुमार एक के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, विश्वजीत एक के साथ, अशोक एक, हैप्पी डी के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स को कमेंट भरने का कोशिश करें। चलिए, टाइमलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसके सही आंसर देख लेते हैं। इसके सही आंसर एल्युमिनियम। जो कैंडिडेट एल्युमिनियम को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए लेड पेंसिलिन की नोक लॉड लॉड डॉट 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 से बनती है, कोयला से बनती है, ग्रेफाइट से, जिंक से या लकड़ी का कोयला से? जो लेड पेंसिल की जो नोक बनती है, मतलब आगे नोच जो होती है, वो किससे बनाई जाती है? जल्दी से दोस्तों कमेंट लिखे, इसके लिए टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स को लेट ना करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्पीड करें। चलिए, विश्वजीत कुमार आ चुके हैं दो के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें, स्पीड करें कमेंट बॉक्स को। हैप्पी जी बी के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, बाकी लोग भी लिखे कमेंट। टाइमलाइन ख़त्म होने जा रहे हैं, वीडियो को सारे लोग एक एक बार लाइक जरूर कर दें। जो कैंडिडेट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से कृपया करके लाइक करें और एक एक बार सारे लोग शेयर करें। इसके सही आंसर है ग्रेफाइट। जो कैंडिडेट ग्रेफाइट को क्लिक किए थे उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग को लिखे गए यहाँ पर कि IDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप बताइए। यहाँ पर जो है लिखे गए हैं दोस्तों, इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, या इंडोनेशियन विकास एसोसिएशन है, या इटालियन डेवलपमेंट एसोसिएशन है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड का ही समय आपको दी जाएगी। फटाफट कमेंट लिखे, जिन कैंडिडेटों का कमेंट करना चाहते कमेंट लिखे। चलिए बहुत अच्छे प्यारे बच्चों कमेंट करना स्टार्ट कर चुके हैं, चलिए बहुत अच्छे इसी प्रकार से कमेंट लिखें। गलत हो चाहे सही हो डरे नहीं, इसके सही आंसर ऑप्शन टू। जो कैंडिडेट ऑप्शन टू को क्लिक किए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए विद्युत चुंबक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसी के बारे में यहाँ पर जवाब देने। पहला लिखे गए विद्युत प्रवाह बंद होने पर वे चुंबकत्व नहीं खोते हैं, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए उन्हें बहुत मजबूत बनाया जा सकता है, इनका उपयोग जंग से चुंबकीय सामग्री को अलग करने के लिए किया जाता है, वे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट लिखे, इसके लिए सिर्फ आपको 30 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाती है। फटाफट कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स को स्पीड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट को करने का कोशिश करें। बहुत अच्छे सारे लोगों का कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आप भी कमेंट लिखें, जल्द से जल्द कमेंट लिखें दोस्तों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट करें। चलिए, टाइमलाइन ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, इसके सही आंसर की चुनाव हम लोग कर लेते हैं। चलिए, सलेंदर यादव जी 4 के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, विश्वजीत 3 के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। इसके सही आंसर है विद्युत प्रवाह बंद होने पर चुंबकीय नहीं खोते हैं। आप सभी यहाँ पर आंसर देख पा रहे हैं, यानी कि आपका जो है ऑप्शन एक, जो कैंडिडेट ऑप्शन एक को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन 1।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखिए कि वर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि डॉट डॉट क्योंकि डॉट डॉट संघर्ष का घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, जड़त्व अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होते हैं। जल्दी से नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट लिखे। चलिए राम श्लोक का ऑप्शन आ चुके हैं, एक के साथ जाना पसंद कर रहे हैं राम श्लोक जी, एक के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखे। हैप्पी जी दो के साथ, राम चैनल एक के साथ, जा बाकी लोग भी कमेंट लिखे। शैलेंद्र यादव दो के साथ, विश्वजीत कुमार एक के साथ, अशोक कुमार तीन के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखे। चलिए टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर घर्षण का अभाव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, घर्षण का अभाव होता है, यानी ऑप्शंस एक, जो कैंडिडेट ऑप्शन एक को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन है, वेद उपनिषद पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं, हिंदी में लिखे गए हैं, प्राकृतिक में, पाली में या संस्कृत में। सारे लोग कमेंट लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का कोशिश करें। चलिए शैलेंद्र यादव जी चार के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, विश्वजीत चार के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। अशोक जी चार के साथ, सारे लोग चार के साथ जाना पसंद कर रहे हैं। हैप्पी भाटिया जो है तीन के साथ। चलिए राम चैनल बी के साथ, राम श्लोक चार के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। चलिए टाइम लाइन खत्म हो चुकी है, इसके सही आंसर है संस्कृत। ये सारे जो लैंग्वेज हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन चार, जो कैंडिडेट चार को क्लिक किया उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। अगला क्वेश्चन देखे गए, यहाँ पर एक विद्युत कक्ष में कितने टर्मिनल होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या चार होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट लिखें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स को कमेंट भरने का कोशिश करें। टाइमलाइन खत्म होने जा रहे, अशोक कुमार दो, राम श्लोक दो, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। शैलेंद्र यादव चार के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। हैप्पी भाटिया तीन के साथ, बाकी लोग भी कमेंट लिखें। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, इसके सही आंसर देख लेते हैं, इसके सही आंसर है दो, जो कैंडिडेट दो को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, लिखे गए यहाँ पर, मृत जीव अवशोषों अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। सारे लोग जुड़ जाएं, इसके लिए 10 सेकंड का समय सीमा आपको दी जाती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भरें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट लिखें। चलिए टाइमलाइन खत्म हो चुके हैं, इसके सही आंसर देख लेते हैं, इसके सही आंसर अपमार्जक, जो कैंडिडेट अपमार्जक को क्लिक किए उनका जवाब बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन तीन। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं, स्क्रीन पर लिखे गए, ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ओलिवर ट्विस्ट नामक एक फिल्म भी बनाई गई, इस चीज़ को ध्यान रखिए, बेंजीर हबीब या चार्ल्स डिकेंस या पॉल कैनेडी या एरिक सेगल। जल्दी से नीचे कमेंट लिखे दोस्तों, इसके सही आंसर क्या होने चाहिए, जल्द से जल्द कमेंट लिखे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में भरें। अशोक कुमार तीन के साथ, ओलिवर ट्विस्ट के नाम के पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से नीचे कमेंट लिखें। चलिए टाइम लाइन खत्म होने जा रहे हैं दोस्तों, इसके सही आंसर के चुनाव हम लोग कर लेते हैं। चलिए टाइम लाइन खत्म हो चुके हैं दोस्तों, इसके सही आंसर के अग्रेसित होते हैं, इसके आंसर है चार्ल्स डिकेंस, यानी कि ऑप्शन टू, जो कैंडिडेट ऑप्शन टू को क्लिक किया उनका जवाब बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले करेंगे कि यहाँ पर आज का सेक्शन यहीं पर ही समाप्त होते हैं, कि यह नोट्स जो है आप सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक से बनाए गए, आप सभी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि पाई जाती तो इसकी जिम्मेदारी न्यू टीचर्स क्लास को नहीं होंगे। आपको यह नोट्स पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुशी होंगी और हमें भी आप सभी की सेवा करने में बहुत ज़्यादा खुशी होंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको टाइम टेबल नहीं मालूम है तो लाइव क्लासेस का टाइम टेबल यहाँ से देख सकते हैं,
करंट अफेयर का क्लासेस 8 बजे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 9 बजे, इंग्लिश का क्लासेस 10 बजे, गणित का पेपर 11 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास नाइट में क्लासेस का टाइम है तो सामान्य ज्ञान का पेपर 9 बजे जुड़े, सामान्य विज्ञान के पेपर 10 बजे और सीधे उत्तर वाले पर्स 11 बजे हमारे साथ जो जुड़ सकते हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, contact.newdiscussclass@gmail.com पर आप यहाँ पर क्लासेस कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि यदि आप हमका हमारा इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाएं, वहाँ पर लिखे होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, वहाँ से सिंपली 1 क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन को दबाएं, बेल का आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें ताकि आप सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने अपना कीमती समय देकर हमारे लाइव क्लासेस में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कोई एक लाइव क्लासेस के साथ।